नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चढ़दा गी तारे पत्थर ने। जो ये कहते हैं कि जो बाइक बुक पे लड़के घूमते हैं ना, वो आवारागर्दी करते हैं। हाँ, लफंडर है। लफंडर। सोनू निगम फैंस, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जब रिश्तेदारों को बताते हो कि मैं सिंगर हूँ, बाइकर हूँ, तो टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बनाते कि मतलब क्या ही करता होगा ये तो? और कितनी कितनी भाषाओं में गाने गा लेते हो? मैं ज्यादा तो नहीं गाता, थोड़ी बहुत है। जैसे तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। बाइकिंग में आने के लिए ना बड़े सारे रास्ते। तो देखो, मेरी सास ना मुझे बड़े परेशान करती है, तो एक स्ट्रेटजी बना दो कि मैं उससे घर के कागज अपने नाम करा सकूं। तेलुसा मनसा इदिये जन्म संबंधम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैट शो, माय सेल्फ भला आंटी। और आज ना आंटी मस्त बाहर निकल कर आई है शूट करने, क्योंकि देखो दुनिया में सिंगर तो बड़े सारे हैं, लेकिन आज मैं जिसका इंटरव्यू लेने आई हूँ ना, वो सिंगर तो है ही लेकिन साथ साथ बाइकर भी है। तो वेलकम करते हैं मनन चतुर्वेदी का। हेलो पुत्र, की हाल चाल, वेलकम टू माई चैट शो। बहुत ही चंगा, बहुत चंगा, बहुत चंगा, बहुत चंगा जी। पुत्र, मैंने गल दस, तुसी गाने भी गाते हो, सिंगर भी हो, बाइक भी चलाते हो, ये दो एकदम अलग अलग राह हैं जी। तो ये अलग अलग राह एक राह कैसे बन गई जी? एक राह तो ऐसे बन गई क्योंकि जब आप परेशान होते हो, हाँ, आप गाना सुनते हो, हाँ, आप जब परेशान होते हो आप घूमने जाते हो। हाँ, ये तो है, है कि नहीं? ये तो है। तो जब दोनों हो रहा है साथ में, तो मैं क्यों ना गाना भी गाऊं और बाइकिंग भी करूं और पैसे भी साथ साथ डबल कमा लूं। ये तो मेन फायदा है, तो पैसे तो डबल आ जाते हैं। काश। लेकिन मैंने गर्ल दस, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअल लिंगल? हाँ जी बिल्कुल, मल्टीलिंगुअल। हाँ, वही वही। तो तुसी मल्टीलिंगुअल गाने गाते हो, कितनी भाषा में गा लेते हो? वैसे तो अभी तक मैंने ज्यादा ट्राई करे नहीं है। मैंने जैसे ट्राई करा है हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, इंग्लिश बोला मैंने 6 गाने। हाँ पुत, इंग्लिश बोला, बोल दिया मैंने। हाँ, 6 तो ये मतलब 6 ऐसे तो नहीं, पापा मलयालम, मम्मी पंजाब से, और जो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड रही हो वो अलग अलग शहरों से रही हो, तो इतनी सारी भाषा कैसे आ गई? पॉइंट ये है कि मेरे ना पापा नहीं घूमे थे ना, मैं बहुत घूमा। अब देखो, अब तुम इतनी भाषा में गाते हो, इतने तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, अब मैं गाने नहीं गवाऊंगी तो मैं तो ट्रोल हो जाऊंगी कमेंट सेक्शन में, तो फटाफट एक गाना सुना दो पुत्र, जो तुम्हारा मन करे। नी मैं तेरे नालो सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चढ़दा गी तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सीता टर दे फिर देसी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, बांते लिखिया ना ते वेख नाले चुम्मा मैं, मेरी सुरत बुला दी तेरे ना दे अखर ने, मेरी सुरत बुला दी तेरे ना दे अखर ने। बहुत चंगा, बहुत चंगा, मतलब दिल ही जीत लिया पुत। मेरा तो मन कर रहा था इंटरव्यू छोड़ो, गाने गाता रहा मैं ऐसे बैठ के, बस अपने पुत नु गाने गाते सुनती रहूं बैठ के। आंटी जी, आपका आशीर्वाद, ऐसे ही बनाए रखो। जीते रहो पुत, जीते रहो, जीते रहो। लेकिन पुत, मैं ना जदों आ रही थी रास्ते में, तो मेरे को ना बड़े सारे लोगों ने बोला कि ये जो बाइक बुक पे मुंडे घूमते है ना, ये मतलब इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मेरे को ये पता चला कि तुम एक स्पेशल नोबल कॉज के लिए बाइक चला रहे हो, तो आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दो जो ये कहते हैं कि जो बाइक बुक पे लड़के घूमते हैं ना, वो आवारागर्दी करते हैं। हाँ, लफंडर है। लफंडर कहते हैं। हाँ। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि जो बाइक पे घूम रहा है वो लफंडर है, और जो मेरी तरह से राइडिंग गियर पहन के घूम रहा है वो तो रेस कर रहा है। आहो। है ना? हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं, नहीं, राइडिंग गियर अगर पहन के कोई घूम रहा है वो रेस नहीं कर रहा है, वो इसलिए ऐसा पहन के चल रहा है ताकि वो अपने आप की सुरक्षा बढ़ा सके। देखा, अगर राइडिंग गियर पहन के नहीं हूँ मैं, अगर 100 cc की मोटरसाइकिल पर 40 की स्पीड से भी गिर गया ना, मुझे बहुत चोट लगेगी, लेकिन अगर मैंने ये पहन रखे हैं तो मुझे चोट कम लगेगी। नहीं नहीं पुत्र, गिरने गुरने की गाल नहीं करनी, सब कुछ मतलब चंगा चंगा ही होना चाहिए। एक्चुअली यस, तो हम लोगों को यही बोलते हैं, राइड सेफ एंड राइड यूनाइटेड। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम देखा है, उसमें आपने लिखा हुआ ऊपर स्ट्रैटेजिस्ट है ना, तो देखो मेरी सास ना मुझे बड़े परेशान करती है, तो एक स्ट्रैटेजी बना दो कि मैं उससे घर के कागज अपने नाम करा सकूं। वही तो स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है ना, स्ट्रैटेजियां बनाना।
तो गिव मी सम स्ट्रेटजी। वो ना मैं कैमरा बंद करने के बाद आपको बताऊंगा, कैमरे पे नहीं बताऊंगा। खुफिया बातें, कोई नहीं, आप कमेंट सेक्शन करना, जो जो कमेंट में पूछेगा मैं उसको पर्सनली जवाब दे दूंगी। बड़े ना रिश्तेदार वैसे बड़े बड़े बुरे भी होते हैं कई कई है, उनको चाहिए बेटा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर ऐसा बन जाए या किसी मल्टी कंपनी में ना काम करने बैठ जाए। तो जब रिश्तेदारों को बताते हो कि मैं सिंगर हूँ बाइकर हूँ तो टेढ़े मेढ़े मुंह भी बनाते हैं कि मतलब क्या ही करता होगा ये तो। हाँ नहीं सर, बहुत लोगों से बोलते वो तो सब ठीक है, करते क्या हो। हाँ करते क्या हो, वो तो ठीक है करते क्या हो। हाँ गाना गाते हो शौक है, हाँ, बाइक चलाते हो शौक, शौक है, है। करते क्या हो। तो मैंने लोगों को बता दो मैं यही करता हूँ, और यही एक चीज है जो हम लोगों को भी समझाना चाहते हैं कि आप इसमें भी प्रोफेशन बना सकते हो। अगर मैं अगर उस चीज के अंदर पैसा बना रहा हूँ पैसा कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकते हो। जब अगर बीवी रूठ जाती है तो कैसे मनाते हो, गाकर या बाइक पे घुमाकर? ज्यादातर गाकर, क्योंकि बाइक के पीछे बैठने में मेरी जो बाइक्स है ना उनमें ज्यादातर पीछे की सीट थोड़ी सी तकलीफ दे रहती है। ये बाइक वाले लड़के ना ऐसे ही होते हैं, नो डाउट। पर फिर कौन सा गाना गा के गवाते हो उसमें, मतलब उनको एकदम इम्प्रेस कर देते हो? तो तुम्हारी ऑडियंस तो तुम्हें सिंगर सुनना चाहती है ना, तो गा दे पुता गाना एक और। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आए दिल ही जीत लिया। लेकिन पुत ये तो हो गया हिंदी और पंजाबी, अब इतनी सारी भाषा है तो तमिल तेलुगु कर्नाटका इन साइड के जो फैंस हैं इनके लिए भी तो कुछ गा दो। तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। कौन सी भाषा में? उसका हिंदी गाना भी सबको बहुत पसंद होगा, हिंदी गाना है तुम मिले ना, ये तो मैं तेलुगु में गाता हूँ। तरिमिनि आरु कालालु वेडु लोकालु चेरलेनि उडिलु विरहपु जाडलेनाडु वेडि कन्नेसि चूडलेनि जटलो शट जन्माल बंधाल बंगारु क्षणमेदि तेलुसा मनसा इदि ये नाटि अनुबंधमु। आए दिल ही खुश हो गया पुत, दिल ही खुश हो गया। एक कन्नड़ गाना गाता हूँ। कन्नड़ फैंस लाइक शेयर कमेंट और प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं कुछ गलत गा दूं तो। कोई नहीं, अपने लोग मान जाते हैं। सोनू निगम फैंस प्लीज मुझे माफ कर देना। हारा डो मोड बिंदु रिक्की गड़ा मुर्द कुंडु निंतेड़े मन कागी सुन मने तंगाली अंगड़ बुदंगागी बेवरी रो सूचने सागर दा अलैगू धनिवू। मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब मल्टी टैलेंटेड साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं। और अगर किसी को इसमें आना हो तो कैसे आए? अच्छा जी देखो, बाइकिंग में आने के लिए ना बड़े सारे रास्ते हैं। एक है कि अगर आपको टूरिंग में शौक है तो आप टूरिंग स्टार्ट करो। आप अगर आपको रेसिंग का शौक है, आपको तेज चलाने का शौक है, आप रेसिंग में आओ। रेसिंग में ऐसा नहीं है, तो हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि कभी भी सड़क पे रेस मत करो। आपका अगर शौक है ना, अगर आपको लगता है अरे मैं तो बहुत तेज बाइक चलाता हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, ट्रैक पे आओ, सब सामने आ जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सामने आ जाएगा, क्योंकि जब आप ट्रैक पर होते हो ना और जब आपको लगता है अरे मैं तो बहुत तेज जा रहा हूँ और आपके बगल में से ना आपसे दुगनी स्पीड से बंदा निकलता है सेम बाइक पर, तो आपको लगता है अरे ये क्या हुआ, मेरी बाइक खराब है क्या। और फिर जब उस मोड़ पे ऐसे मोड़ना पड़ता है ना, जो भी हम लोग गलियों में जाते हैं वो लड़के जाते हैं पै 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 करते हुए मुड़ जाते हैं, बड़े खून पी जाते हैं वो लड़के, वो बस मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब अरे लगा 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 अरे उसमें टकराया उसमें टकराया। ट्रैक पे आओ, आप किस लेवल पे चलाते हो ना वो वहां पता चलेगा। और अगर आपको चलाने का इतना शौक है तो वहां पर आपको और सीखने को मिलेगा। तो पुत जान तो पहला ना, सब नु बोल दे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आंटी के शो को ना बिल्कुल लाइक शेयर नहीं करते ये। ओए आंटी के शो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना, क्योंकि आंटी का आशीर्वाद ले लो यार। आंटी के आशीर्वाद से दुनिया में सब अच्छा होगा, तुम्हारा तो अच्छा होगा, ठीक है आशीर्वाद ले लो, शायद मेरा भी थोड़ा अच्छा हो जाए। अरे आंटी मेरे को भी आशीर्वाद। जीता रहे सब अच्छा होगा।